everyone, welcome to AWA, our YouTube channel Akash Vankhede Academy AWA. और आज मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक के ऊपर का फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। लेकिन ये देखने से पहले बेटा, ऑलरेडी सेम टॉपिक के ऊपर मैंने बेसिक वाला एक वीडियो बनाया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही था। तो फिलहाल जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो हायर मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी ट्वेल्थ साइंस के स्टूडेंट इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल है। और बेटा, इसकी बेसिक चीज़ें जो थी वो आप फर्स्ट वीडियो जो इसी टॉपिक के ऊपर का था वो देखो। अब हम ये वाले प्रॉब्लम्स पढ़ना चाहेंगे। चलो तो शुरू कर लेते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ। पहले सबसे क्वेश्चन ये होता है दिमाग में कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे। तो बेटा वो आपको अगर डायरेक्टली नहीं क्लियर होता है तो आप रफ में ट्राई करके देखो क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट होते हैं। और वेरिएबल सेपरेट होने का मीनिंग क्या है कि एक्स के सारे टर्म डी एक्स के पास आने चाहिए और वाई के सारे टर्म डी वाई के पास आने चाहिए। चलो तो हम ट्राई करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब आप यहाँ पे ट्राई करो क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। और बेटा मैंने जैसे इधर देखा तो पता चला कि यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है। सोचो तो इधर ये 1 - x² एज इट इज रहने देता हूँ, इधर से बेटा वाई स्क्वेयर को कॉमन निकालोगे तो यहाँ आएगा 1 - x². अब इधर के दोनों टर्म में से 1 - x² कॉमन है। देखो अगर 1 - x² को कॉमन निकालते हो तो यहाँ कौन आएगा, 1 + y². अब थोड़ा दिमाग लगा, क्या यहाँ कोई चांस बन रहा है क्या वेरिएबल सेपरेट होने का। तो यू विल कम टू नो कि हम x के सारे टर्म एक तरफ लेकर जा सकते हैं और y के सारे टर्म दूसरी तरफ लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मुझे लगता है वाई क्यूब और उसके नीचे मैं डायरेक्ट 1 + y² लेकर आता हूँ और उसके साथ डी वाई रहने देता हूँ। चेक करो सही है क्या, बाकी सारे x के टर्म इधर लेकर जाओ, 1 - x² उसके अपॉन में x आएगा और जो नीचे इधर डी एक्स था वो इधर ऊपर चला जाएगा। और एक्चुअल जिनको पता नहीं था कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है तो ये होता है बेटा। जिस प्रॉब्लम में लग रहा है कि डी वाई की तरफ सारे वाई के टर्म और डी एक्स की तरफ सारे एक्स के टर्म आ सकते तो समझ लो वहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना है। तो आप इसके नीचे डेफिनेटली लिखोगे दिस इज, आप एग्जाम में पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और एक बार अगर बेटा वेरिएबल सेपरेट हो गए तो नीचे लिखना इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके चलो तो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाई क्यूब है और नीचे 1 + y², इसके साथ डी वाई आएगा, राइट हैंड साइड में 1 - x² और अब 1 में x dx। अब जरा बराबर ऑब्जर्व करो, ये नीचे का x सेपरेट होके इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लेकिन बेटा इधर इंटीग्रेशन नहीं हो सकते। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमेटर से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे आप लोग एडजस्टमेंट करो या फिर दूसरा है डिवीजन मेथड अपना। मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड अपनाता हूँ। और एक बात याद रखना, जब भी कभी बेटा न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमेटर से ज़्यादा है तो यू कैन गो फॉर डिवीजन मेथड। और यहाँ पे वाई के पावर का टर्म पहले लिखना, वापिस सोचो यहाँ वाई स्क्वायर है यहाँ वाई क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पे y से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो y into y² वाई क्यूब आएगा और y into 1 y आएगा। अब आप देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन माइनस, ये भी माइनस तो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा कौन बेटा -y। और मुझे लगता है इसका डिग्री 2 है इसका डिग्री 1 है। और जब भी कभी बेटा रिमाइंडर का डिग्री अगर यहाँ से कम आ जाता है तो फिर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप इसको कंक्लूड कैसे करोगे, तो जनरली आप डिवीजन करने का ऐसा लिखते हैं रेशियो इज इक्वल टू q + r/d। सो रेशियो बोले तो ये ओरिजिनल प्रॉब्लम था, y³ / 1 + y² क्वेश्चन क्या है, y है, रिमाइंडर क्या है -y है और डिवाइजर क्या है y² + 1 है।
और यही आप उठाकर डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन में रख सकते हो, तो बोलो फिर ये इंटीग्रेशन होगा कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ इसके जगह आएगा y माइनस y अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट dy, और इधर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हो तो 1 बाय x आएगा एक, और दूसरा आएगा x स्क्वायर अपॉन x ब्रैकेट कंप्लीट dx। इसको और थोड़ा मैनेज करो बराबर, ये y और dy बेटा, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता होगा यहाँ पे 2 का एडजस्टमेंट करना जरूरी है, या 1 बाय x dx, या एक x कैंसिल होगी सिर्फ है x बचेगा। इस प्रकार से मुझे लगता है होना चाहिए हर एक का सेपरेशन होने के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है, यहाँ पे 2 का एडजस्टमेंट इसलिए किया क्योंकि डिनोमेटर का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो रहा है, फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है और 1 का डेरिवेटिव 0, और आपके पास इंटीग्रेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, व्हेनेवर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलो फिर करो इंटीग्रेशन, वाई का बेटा वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये 1 बाई 2 एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है इसलिए लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, और आखिरी में प्लस सी। आप यहाँ पे ख़त्म करोगे तो भी चलेगा, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करते, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आंसर। इफ़ यू गो फॉर मोर सिंप्लीफिकेशन देन आप लोग इसको C1 बोल के आगे बढ़ना। अब अगर मैं बेटा हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे ऐसे मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 2c1। फिर आप 2c1 को c से रिप्लेस कर सकते हो, यानी ये थोड़ा सिंप्लीफाइड आंसर मिलेगा y स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ y स्क्वायर प्लस 1, और इसको आप लॉग ऑफ x स्क्वायर बोल सकते हो, माइनस x स्क्वायर प्लस c, और आखिरी में लिखना कि जो c आया वो काय के जगह आया है, 2c1 के जगह, यहाँ लिखना सीन्स 2c1 इक्वल टू c। और बेटा दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ऐसा आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर मिल गया। इसी से रिलेटेड बेटा आप सेकंड खुद ट्राई करना, जो कि डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट होते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सारे वाई के टर्म dy की तरफ जाएंगे और ये x के टर्म dx की तरफ आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, एंड देन यू कैन गो फॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आप खुद ट्राई करना। यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ, हो सकता है इंटीग्रेशन करते समय आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, IBP का, जस्ट गो फॉर दैट। अब हम नंबर 3 देखेंगे। अब गिवन वगैरह मैं ले लिखता हूँ, डायरेक्ट काम शुरू कर देता हूँ, x इंटू वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइड में dy, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ dx इक्वल टू 0। चलो ऑब्जर्व करो क्या यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या। तो बेटा अगर चांस लेना तो डेफिनेटली, अगर सारे टर्म एक ही तरफ है तो एक उसमें से एक टर्म को दूसरे तरफ लेकर जाना जरूरी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये dy है ना। यहाँ तक के हम आ गए। अब वेरिएबल सेपरेट होने के चांस देखो, वाई स्क्वायर के पास dy चलेगा और ये y का टर्म इधर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ ऐसा हो सकता है वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, नेगेटिव को भी इधर लेकर आओ या फिर उधर रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बोलो फिर यहाँ क्या रहेगा बाबा, यहाँ आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इधर आएगा dx की तरफ, चेक करो। और एक बात याद रखना, dx और dy के टर्म को इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो उसके साथ जो एक्स वाई के टर्म्स है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है ना। अब आप इसको डेफिनेटली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोल सकते हो, इसके नीचे निकलना दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब मजा आएगा इंटीग्रेशन में, कम ऑन। वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy माइनस 1 अपॉन
x into 1 plus x square dx. अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप रैशनल फंक्शन एज ए ट्रीट कर सकते हो, न्यूमरेटर में भी y square है, डिनोमेटर में भी y square है, और डिनोमेटर में जो y square है उसके साथ अगर प्लस 1 है तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस 1 और माइनस 1 का एडजस्टमेंट करो. यानी नेक्स्ट स्टेप में इस प्रकार से बनेगा y square, फिर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो प्लस 1 और माइनस 1. दिस इज अ वैलिड एडजस्टमेंट. तो इधर का काम बन जाएगा. लेकिन सवाल इधर है, इधर दो ऑप्शन है, एक तो एडजस्टमेंट आपको फटक से पता चलना चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा बड़ा बनेगा प्रॉब्लम, उससे बेटर है कि एक एडजस्टमेंट शायद आप ट्राई कर सकते हो. इसको आप वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, देखो यही वापस मिलेगा. कम ऑन, एग्जैक्टली. तो ये एडजस्टमेंट लीगल है, वैलिड है. अब आप यहाँ इंटीग्रेशन करने का सोच सकते हो, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा, तो ये सेम टर्म कैंसिल होगी, यहाँ 1 आएगा और यहाँ आएगा 1 upon 1 plus y square. अब इधर का टर्म डेफिनेटली उस लाइन में रहा जिसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकोगे. अब इधर सोचेंगे माइनस, ये 1/3x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ x upon 1 plus x square आएगा. सोचो करेक्ट है क्या. और बेटा वापस पिछले प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे 2 का एडजस्टमेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है. अब ऑलमोस्ट सारे टर्म के अगर इंटीग्रेशन अवेलेबल है तो गो फॉर दैट. 1 का इंटीग्रेशन बेटा y है, क्योंकि इंटीग्रेशन इधर का y के साथ, ये तो डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ y है. कम ऑन, इज इक्वल टू ये माइनस log x आएगा, ये 1/2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर आएगा. सोच रहे बाबा, और प्लस सी. जरा ऑब्जर्व करो बेटा, इस प्रकार से आपको आंसर मिलना चाहिए था, एंड देन यू विल गेट अ कंप्लीट मार्क्स. ओके, ये भी एक मस्त क्वेश्चन था, इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी देखे. ओके, इसी से रिलेवेंट बेटा मैं आपको और एक फोर्थ नंबर पढ़ा देता हूँ. जस्ट थिंक अबाउट फोर्थ नंबर, बाकी फॉर्मेलिटी आप कंप्लीट कर लेना, मैं डायरेक्ट काम की बात बताता हूँ. वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. रूट के अंदर देखने का पता चल रहा होगा कि कुछ तो भी कॉमन निकलने का चांस है, ये टर्म और यहाँ से भी सोचो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दिख रहा होगा बेटा. और बोलो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा. वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मुझे लगता है इस रूट में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज है. सेकेंड पार्ट में से वाई स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो उसमें भी बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा. वापस y इंटू डी वाई इधर रख देता हूँ, दोनों स्क्वेयर रूट में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, नीचे का डी एच इधर ट्रांसफर किया. अब स्क्वेयर रूट के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो आप दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हो. इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस प्रकार से हैंडल करोगे. वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या रहे बाबा, रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर भी लिखोगे और इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखोगे और बाद में डी एक्स लिखोगे. देखो स्क्वायर रूट को कैसे मैनेज किया हम लोगों ने. अब बेटा यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट बनाने के चांस बढ़े हैं, तो आप क्या करो, ये वाई उसके नीचे रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेकर आओ, इधर डी वाई है और इधर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब आप इसको हक से बोल सकते हो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और बाद में इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. अब जरा इस इधर के टर्म को ऑब्जर्व करो, ऊपर y है, नीचे रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर डी वाई, इधर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर डी एक्स. अब बेटा इधर इंटीग्रेशन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे वापस एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का. यहाँ पे मैं वापस 2 का एडजस्टमेंट, पिछले प्रॉब्लम में जो यूज रहे थे वो यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट के साथ है. तो बेटा रूट के लिए भी हमारे पास इंटीग्रेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूँ, या फिर भी आपको समझना आना चाहिए, इसलिए एक स्टेप ज़्यादा करके देता हूँ. एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स,
ये इस प्रॉब्लम में यूज होगा यहाँ पे, और पिछले प्रॉब्लम में जो हम यूज कर रहे थे उसमें क्या चेंजेस है वो भी आपको मैं क्लियर कर दूँ। ये पहला विदाउट, पहला विथ रूट है, दूसरा विदाउट रूट है, बेटा इसका आंसर हम ना होगा एफ ऑफ एक्स लिख रहे थे, तो दोनों में फर्क याद रखना। कम ऑन, ये पिछले दो प्रॉब्लम में यूज हो रहा था और ये इस प्रॉब्लम में यूज होगा, तो बोलो बेटा यहाँ क्या आएगा। तो ये 1/2 एज इट इज रहेगा यहाँ, और टू रूट ऑफ 1 + y² ये इधर आया, और इधर तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² + a² का। तो इसका क्या आ रहा, x/2 रूट ऑफ 1 + x² + a² / 2 बोले तो 1/2 आएगा, लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 + x² इस प्रकार से इसका आएगा। सोचो सब लोग करेक्ट है क्या? अब बेटा आप मल्टीप्लाइंग बाय 2 अगर सब तरफ कर दो तो भी आपका काम इजी हो जाएगा। जरा सोचिए फिर आप आगे इसको किस पैटर्न में लिख सकते हो। मल्टीप्लाइंग बाय 2 करोगे तो फिर यहाँ पे आएगा 2√(1 + y²), यहाँ से नीचे से 2 चले जाएंगे, 1 + √ के अंदर x² प्लस लॉग ऑफ x + √(1 + x²), और इसको c1 बोलना पड़ेगा, यहाँ पे 2c1 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में और लास्ट स्टेप में सब कुछ सेम रहेगा, 2√(1 + y²) √(1 + x²) लॉग ऑफ x + √(1 + x²), और 2c1 की जगह c1 लिखना, और साइड में लिखना कि आपने 2c1 की जगह c लिखा है। And this is what the required general solution. और let me clear you, ये वीडियो देखने से पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, वो देखो आप लोग। और शायद जो स्टार्टिंग में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो बनाई थी वो टोटल 8 वीडियोस का एक पूरा टाइप है बेटा, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और देन उसमें जो प्रॉब्लम्स कवर नहीं हो रहे वो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये 12th साइंस के लिए एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। रही बात पॉलिटेक्निक के लिए, तो उन्होंने जो मैंने उधर 8 वीडियोस डिफरेंशिएशन के ऊपर बनाए थे वो उतने भी प्रिपेयर किया तो भी चलेगा। दिस इज़ फॉर 12th साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एट द सेम टाइम प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। एडमिशंस आर गोइंग ऑन इन AWA।